दिल्ली से एक खबर निकल कर आ रही है जहां प्रगति मैदान टनल के पास दो बाइक पर चार सवार होकर आते हैं और एक उबे गाड़ी के सामने लगाते हैं और गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे होते हैं दो लोग उनसे उनके पास जो बैग होता है वो बैग वो लेते हैं और गन दिखाकर गन पॉइंट पर उन ये सारा अंजाम देते हैं, काम को अंजाम देते हैं। गन पॉइंट पर दिखाकर वो बैग लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये सारा मामला जो है कैमरे में कैद हो जाता है। अब उसके बाद वो जो जिनसे बैग लेकर भागा था उनका नाम जिनका नाम साजन कुमार है वो फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं और इसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये लोग कौन थे और क्यों इनसे बैग लेकर भागे और बैग में क्या था जिसके वजह से ये साजन कुमार जो है पुलिस तक जा पहुँचे। ये जो मामला है 24 जून 2023 का है जो दिल्ली से निकल कर आ रही है कि दिल्ली के प्रगति मैदान टनल के पास दो बाइक पर कुछ सवार लोग आते हैं और गाड़ी से बैग लेकर गन पॉइंट पर बैग लेते हैं और डराकर बैग लेकर फरार हो जाते हैं। उसके बाद ये जो साजन कुमार है ये पुलिस के पास जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। बात दरअसल ये है कि ये जो साजन कुमार है ये लाल किले से गुरुग्राम बैग लेकर जा रहे थे और बताया ये जा रहा है कि बैग के अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा नकद रुपए थे जिसको वो डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे। अब अचानक से टर्निंग पॉइंट के पास गुफा से निकलते हैं, टर्निंग के पास कुछ लोग आते हैं बाइक से गन पॉइंट पर दिखा के वो लेकर फरार हो जाते हैं बैग। ये सारा मामला जो है वो कैमरे में कैद हो जाता है जिसके वजह से मालूम चलता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है और वो फिर रिपोर्ट भी लिखवाने जाते हैं। बात दरअसल ये है कि ये जो साजन कुमार है ये चांदनी चौक में काम करते हैं और ये डिलीवरी पैसे की डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे और ये इनका काम ही डिलीवरी करना है पैसे की और ये हमेशा की तरह इस बार भी डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं। साजन कुमार रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वाले इस पे एक्शन लेते हैं और अभी तक 4-5 लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। उसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन लोगों को पहले से मालूम था कि ये हर रोज यहाँ से पैसे लेकर यहाँ जाता है, डिलीवरी करने के लिए जाता है, इसीलिए उन लोगों ने पहले से ही प्लान बना रखा था और जैसे ही ये उबेर में बैठकर पैसा डिलीवरी करने गया तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग पहले से प्लान कर चुके थे और हमें मालूम था कि ये लोग कहाँ पैसा डिलीवरी करने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने प्लानिंग करके टनल के पास गन पॉइंट पर इनसे पैसा ले लिया। पुलिस ने ये भी बताया है कि इस मामले में इन लोगों के बीच में आपस में ही झगड़े हुए, पैसे को ले बांटने के लिए इन लोगों ने आपस में ही झगड़ा कर लिया और ये भी बताया जाता है इसके पीछे और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अभी सिर्फ 5 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है और इसके पीछे और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इसके पीछे प्लान में शामिल थे। आखिर इनका पूरा मकसद क्या था इसकी जानकारी अभी मुकम्मल नहीं मिल पाई है और एक सवाल पुलिस पर भी उठाया जा रहा है कि क्या पुलिस क्या कर रही है, पुलिस आखिर कर क्या रही है दिन दहाड़े रोड पे सरेआम टनल पॉइंट पे गन पॉइंट पर दिन दहाड़े सरेआम टनल पॉइंट पर गन दिखाकर पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। आखिर पुलिस कर क्या रही है, अगर ये रात के अंधेरे में होता तो इंसान को सोच भी सकता था कि ये गलती उन लोगों की नहीं है, पुलिस वालों की नहीं है, लेकिन दिन दहाड़े जब केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है और उनका कहना है कि यहाँ सब सुरक्षित है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी सरेआम दिन दहाड़े कोई गन पॉइंट पर किसी से पैसे लेकर फरार हो जाता है, आखिर पुलिस कर क्या रही है।